मैं हूँ योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर आउट हो चुका है। बता दें कि ट्रेलर में हमने विटनेस किया डार्क और एक्शन पैक्ड सीन्स। वेल, इसी के चलते जो एक विलन के कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शेडेड हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। जहां ट्रेलर में हमें ग्लिम्स देखने को मिला है जॉन अब्राहम और दिशा पाटनी की केमिस्ट्री का, वहीं अर्जुन कपूर और तारा सुतारिया की केमिस्ट्री का। ट्रेलर के बाद ट्रेलर लॉन्च पर मोहित सूरी ने कंफर्म कर दिया है कि इस फिल्म में तारा सुतारिया गा रही हैं। तारा सुतारिया एक सिंगर भी है और उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हमें इस फिल्म के साथ साथ तारा सुतारिया की गायकी भी सुनने को मिलने वाली है। कियारा अडवाणी की पर्सनल लाइफ काफ़ी टाइम से स्पेक्यूलेशन में है। जब से ये क्लेम सामने आए हैं कि वो डेट कर रही हैं अपने शेरशाह को स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा को, लेकिन दोनों ने पब्लिकली इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। एक रीसेंट इंटरव्यू में कियारा अडवाणी ने इन सारे रिपोर्ट्स और रूमर्स को रिस्पॉन्ड किया। वेल, बता दें कि यहाँ पर कियारा अडवाणी ने कहा, आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग अबाउट दिस, इवन वेन आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग पीपल आर राइटिंग, सो वेन आई डू से समथिंग आई डो नॉट नो वॉट ऑल पीपल विल राइट। Whenever I feel, I will definitely speak on this issue. Right now, I'm very happy in both my personal and professional life. Well, कियारा अडवाणी ने तो कह दिया है कि जब वो कंफर्टेबल होंगी तब वो बात करेंगी इस बारे में। फिलहाल तो वो खुश हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से। वहीं अगर सिद्धार्थ और कियारा की बात करें तो कुछ टाइम से ऐसे रिपोर्ट्स भी सामने आ रही थी कि दोनों एक और फिल्म के लिए रियूनाइट हो सकते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान एक वर्कआउट एंथुजियास्ट हैं। वेल, बता दें कि सारा अली खान अपने वर्कआउट के पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हुई नजर आती हैं। सारा अली खान करंटली लंदन में हैं और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की शूटिंग कर रही हैं। वहीं से एक्ट्रेस कई सारे पिक्चर्स भी शेयर करती हुई नजर आ रही हैं। रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने मेजर फिटनेस गोल्स दिए, एज उन्होंने अपने वर्कआउट सेशन के पोस्ट वर्कआउट पिक्चर्स शेयर किए। उन्होंने लिखा, यू डोंट टेक अ हॉलीडे फ्रॉम वर्कआउट, यू हॉलीडे टू वर्कआउट। वेल, बता दें कि इस पोस्ट में हम देख सकते हैं कि सारा जिम में अपने एब्स फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं ब्लैक जिम वेयर में, और उन्होंने कैप और ट्रेनिंग ग्लव्स भी पहने हुए हैं। और बता दें कि सारा अली खान के नेक्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं कि वो इंजॉय कर रही हैं एक अमेजिंग कोल्ड शेक। बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर इंजॉय करता है मैसिव फैन फॉलोइंग और नेशन का हार्ट थ्रोब माना जाता है। बिल, बता दें कि उनको कॉमेडियन ऐश्वर्या मोहन राज के साथ देखा गया और ऐश्वर्या मोहन राज का बिग टाइम क्रश है आदित्य रॉय कपूर। दोनों को देखा गया आइकॉनिक कुछ कुछ होता है का सीन रिक्रिएट करते हुए, जिसके पिक्चर्स और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वेल, ये पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं काफ़ी ज़्यादा लाइक किए जा रहे हैं ऑडियंस द्वारा, और इन दिनों आदित्य रॉय कपूर अपनी फिल्म ओम द बैटल विदिन के प्रमोशंस करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। ये फिल्म फाइनली रिलीज हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर ने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है फिजिकली ट्रांसफॉर्म होने के लिए अपनी अपकमिंग फिल्म एक विलन टू के लिए, और ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि अर्जुन कपूर की बॉडी कितनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही है। ऑडियंस और फैंस अर्जुन कपूर को उनके वेट लॉस के लिए और डेडिकेशन के लिए कंग्रेचुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं बता दें कि इसी के चलते अर्जुन कपूर ने रिसेंटली कहा, टू एवरीवन हु ट्रोल्ड मी, क्रिटिसाइज्ड मी, हेटेड मी, आई से थैंक यू। एक विलन रिटर्न्स का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ और अर्जुन कपूर की बॉडी देखकर फैंस हुए हैं इम्प्रेस कि अर्जुन कपूर ने काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किया है अपनी बॉडी को लेकर, और ये हम ट्रेलर में साफ देख सकते हैं। रणबीर कपूर एंजॉय कर रहे हैं अपना पैक्ड स्केड्यूल। वो प्रमोट कर रहे हैं अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा को। एक्टर साथ में शूटिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं लव रंजन की अपकमिंग फिल्म के लिए। बता दें कि रणबीर कपूर एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर जा चुके हैं। रणबीर और श्रद्धा जो है वो शूटिंग करेंगे मॉरिशियस में फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक। ये उनकी फिल्म का फाइनल स्केड्यूल बताया जा रहा है। डुओ मेजर सॉन्ग सीक्वेंस शूट करने वाले हैं वहां पर, जिसके बाद रणबीर कपूर वापस मुंबई आ जाएंगे
और 8 मार्च को उनकी अनटाइटल्ड रोमांटिक ड्रामा फिल्म रिलीज होगी। 8 मार्च 2023 यानी के अगले साल पहली बार हम देखेंगे श्रद्धा और रणबीर को एक साथ एक ही स्क्रीन पर। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कई सारी गलतियां की हैं, लेकिन वो किसी भी चीज के लिए गिल्टी नहीं है। उन्होंने कहा, प्लेंटी ऑफ मिस्टेक्स बट हैज नो गिल्ट। वेल, जब सुष्मिता सेन ने ये कहा तो नेटिजन्स जो हैं वो अंदाजा लगाने लगे कि आखिरकार सुष्मिता सेन क्या कहना चाह रही हैं और किन गलतियों के बारे में बात कर रही हैं। वेल, एज अ पब्लिक फिगर सुष्मिता सेन काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहती हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो या फिर अपने प्राइवेट लाइफ की वजह से हो। सुष्मिता सेन ने ओन अप किया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई सारी गलतियां की हैं, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसके लिए वो गिल्टी फील करती हैं। एक्टर आर माधवन ने रिएक्ट किया है पॉसिबल रीमेक ऑफ हिज हिंदी डेब्यू फिल्म रहना है तेरे दिल में। एक्टर ने रिसेंट एक इंटरव्यू में कहा कि ये प्लान एक फुलिशनेस होगा और उन्होंने ये भी कहा कि तन्नू वर्ड्स मन्नू रिटर्न्स का अगर कोई सीक्वल आएगा तो उन्होंने इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा, नो पॉइंट बीटिंग अ डेड हॉर्स। वेल, बता दे कि इस सब के चलते हमें साफ साफ पता चल चुका है कि आर माधवन बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है रहना है तेरे दिल में की रीमेक करने में या फिर तन्नू वर्ड्स मन्नू रिटर्न्स के कोई भी फ्रेंचाइजी में। और उनके इस जवाब से ये साफ हो चुका है कि हम इन दोनों फिल्मों का ना रीमेक और ना ही कोई सीक्वल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्टर विद्युत जामवाल अपने हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस के लिए माने जाते हैं। बता दें कि वो काफ़ी ज़्यादा लेवल बेस्ट ट्राई करते हैं अपने फिल्मों में इमोशंस रखने के लिए भी। रिसेंटली उन्होंने लखनऊ विजिट किया था और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि वो कई सारे इमोशंस एज अ ह्यूमन बीइंग फील करते हैं, इसीलिए उनको डिफरेंट रोल्स प्ले करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऑडियंस उनको सिर्फ एक्शन करते हुए पसंद करती है। लेकिन अब उनके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं वो एक्शन में तो हाई होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ इमोशन लेवल में भी हाई होने वाला है, जिसे देखने में ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने एक साथ कई सारे फिल्मों में काम किया है। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी टाइम के लिए डेट भी किया था। वेल, बता दें कि रिसेंटली रणबीर कपूर ने दीपिका पादुकोण के बारे में बात की। इन दिनों रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा को प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहे हैं। उन्होंने दीपिका पादुकोण के बारे में बात की और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेज किया। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं, वो ग्रो हो चुकी हैं एज अ पर्सन एज एन एक्टर। और उन्होंने साथ में ये भी कहा, डोंट थिंक आई हैव एवर बीन सो सरप्राइज बाय एन एक्टर। वेल, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दीपिका पादुकोण की तारीफें की। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी का।